हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में लेसन थर्ड ग्रीक इन्वेशन, फॉरेन इन्वेशन एंड असेंबलेशन का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था क्लास 12 से रिलेटेड। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में आर्ट एंड स्कल्पचर, इट मींस जब ग्रीक इंडिया में आए थे तो किस टाइप का आर्ट और स्कल्पचर लेके आए थे और उन्होंने इंडिया में फॉलो किया था। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विच इज़ लेटर ऑन कन्वर्टेड इंटू गांधार आर्ट स्टाइल। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हेलेनिस्टिक आर्ट को गांधार आर्ट भी कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट, इट मीन्स गांधार आर्ट, इंडियंस और ग्रीक आर्ट का कॉम्बिनेशन है। हेलेनिस्टिक आर्ट को गांधार आर्ट भी कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट और गांधार आर्ट एक ही हैं, सिमिलर हैं, इन्हें इंडियंस और ग्रीक आर्ट का कॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडो ग्रीक कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दीज क्वाइंस, द लेजेंड इज रिटन ऑन दीज क्वाइंस। जब ग्रीक्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्वाइंस पे, जो इंडियन रूलर्स थे और ग्रीक रूलर थे, उनकी ब्रेवरीनेस के बारे में लिखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शकास। शकास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिन्हें हम सीथियन भी कहते हैं। दे आर बेसिकली रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल एशिया। शक मेनली सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे, रेजिडेंट थे, इनहैबिट हैं। दे वर रिप्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव लैंड द वेस्टर्न चाइनीज पीपल ऑफ यूची कास्ट फ्रॉम दे ट्राइड टू अटैक इन इंडिया। जो शक थे वो लगातार ट्राई कर रहे थे इंडिया पे अटैक करने के लिए। शक यूची कास्ट से बिलोंग करते थे और सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आफ्टर डिफीटिंग कुशाना, कुशानों को हराने के बाद शकास गेन विक्ट्री ओवर पर्थिया। शकों ने पर्थिया पे विक्ट्री गेन की थी और बोलन प्रास को क्रॉस किया था और सिंधु रिवर के आसपास रहना स्टार्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट कैन बी। शक जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपनी 5 ब्रांचेस को एस्टेब्लिश किया था। सबसे शकों की सबसे फर्स्ट ब्रांच है हमारी, 1 ब्रांच वॉज इन अफगानिस्तान। शकों की फर्स्ट ब्रांच अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश हुई थी। अफगानिस्तान में जो शकों की फर्स्ट ब्रांच एस्टेब्लिश हुई थी उसकी कैपिटल थी कपिशा। सेकंड ब्रांच एस्टेब्लिश इन पंजाब। शकों की सेकंड ब्रांच एस्टेब्लिश हुई थी पंजाब में, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। थर्ड ब्रांच वॉज एस्टेब्लिश एट मथुरा। शकों की थर्ड ब्रांच मथुरा में एस्टेब्लिश हुई थी, जहाँ पे यहाँ के रूलर्स ने, शकों ने 2 सेंचुरी तक रूल किया था मथुरा पे। फोर्थ ब्रांच एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। शकों की फोर्थ ब्रांच वेस्टर्न इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, विच वॉज कंटिन्यूड टू बिगनिंग द 4th सेंचुरी। शक यहाँ पे 4th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक इनहेबिटेंट हुए थे विद द कैपिटल ऑफ उज्जैन। शकों की जो फोर्थ ब्रांच वेस्टर्न इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी उसकी कैपिटल थी उज्जैन। फिफ्थ ब्रांच ऑफ शकास एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द अपर दक्कन विथ नासिक कैपिटल। शकों की जो फिफ्थ ब्रांच थी वो दक्षिणी एरिया के आसपास थी और जिसकी कैपिटल थी नासिक। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द हिस्टोरिकल विक्ट्री ऑन शका। शकों की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री थी। विक्रमादित्य बिकेम सो रिस्पेक्टफुल एंड पॉपुलर डैट हिज नेम वॉज यूज ए ग्रेट टाइटल। एवरी किंग वॉज एगर टू होल्ड दैट टाइटल विक्रमादित्य एज अ सिंबल ऑफ ग्रेट किंग। द ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग द टाइटल ऑफ इंडियन किंग विक्रमादित्य पॉपुलराइज गुप्ता किंग चंद्रगुप्त वॉज द चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द मोस्ट पॉपुलर किंग अमंग दोज किंग हु हैड ऑलरेडी हेल्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य इन 5 ब्रांचेस। सबसे पहली है शकों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विक्ट्री थी वो है उज्जैन की विक्ट्री। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शकों के टाइम में जो मोस्ट पॉपुलर टाइटल था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सिंबल था ग्रेट इंडियन रूलर का। विक्रमादित्य का मेन मतलब था ग्रेट इंडियन रूलर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेपान वॉज द मोस्ट पॉपुलर शक फ्रॉम द नासिक हु रूल्ड इन 124। सबसे पहले शकों का मोस्ट फेमस रूलर था नेपान, जिसने रूल किया था 124 AD में। गौतमीपुत्र शातकर्णी किल्ड नेपान।
जो सातवां डायनेस्टी का रूलर था गौतमीपुत्र शातकर्णी, उसने नहपान को किल कर दिया था। इसका इंस्क्रिप्शन द डिटेल्स ऑफ मिलिट्री सक्सेस एंड रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक इज अवेलेबल इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़। अब सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि गौतमीपुत्र शातकर्णी का जो इंस्क्रिप्शन है वो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। गौतमीपुत्र शातकर्णी के इंस्क्रिप्शन का नेम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन शक संवत। अब हमारा आ जाता है कि शक संवत स्टार्ट कब हुआ था। शक संवत स्टार्ट हुआ था 72 AD के बीच में। शक संवत स्टार्ट हुआ था 72 AD में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक। किस सुदर्शन लेक का रिनोवेशन कैसे हुआ था। सबसे पहला हमारा आ जाता है कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन में डिफरेंस होता है। इन द आर्टिकल ऑफ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अलोंग विद द रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक एंड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन इज प्रेजेंटेड एंड मेंशनड इट एक्सप्लेन द गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त एंड पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराया था। और सुदर्शन लेक कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, गिरनार माउंटेन से ओरिजिनेट होती थी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऐसे कहते हैं कि जो रुद्रदामन था उसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराने के लिए अपना जो भी ट्रेजरी थी वो पूरी तरह से एक्सपेंडिचर कर दी थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनैलिटी। रुद्रदामन की मेन पर्सनैलिटी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रुद्रदामन एक ग्रेट रूलर था। ये डिस्क्रिप्शन है कि अभी हम पर्सनैलिटी रुद्रदामन के बारे में स्टडी करेंगे। द मेन ट्रेट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी हैव बीन, यहाँ पे हिज किसके लिए है, यहाँ पे हिज रुद्रदामन के लिए है जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। रुद्रदामन एक पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता था हमेशा, एक आइडल पर्सन था, और पब्लिक वेलफेयर के बारे में रुद्रदामन इतना सोचता था कि उसने अपना पूरा फंड एक्सपेंडिचर कर दिया था, पूरा खर्चा कर दिया था सुदर्शन लेक को रिनोवेशन कराने के लिए। और इससे रुद्रदामन के जो मंत्री थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो सारे रुद्रदामन के अगेंस्ट हो गए थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क की, जो मेन कनिष्क के मिलिट्री अचीवमेंट्स थे। कनिष्क ने कुषाण डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। सबसे पहले कनिष्क ने कुषाण डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। कुषाण डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक, कनिष्क वाज ए ग्रेट कॉन्कर। कुषाण डायनेस्टी कनिष्क के टाइम में ग्रेट पीक पे, इट मींस ग्रेट प्रॉस्पीरियस स्टेज पे पहुंच गई थी। कनिष्क के टाइम में कुषाण डायनेस्टी प्रॉस्पीरियस स्टेज पे पहुंच गई थी। कनिष्क ने किन किन एरियाज को विक्ट्री किया था। कनिष्क ने पर्थिया को विक्ट्री किया था, कनिष्क ने मगध को विक्ट्री किया था जिसे हम पाटलिपुत्र भी कहते हैं, और कनिष्क ने कश्मीर पे भी विक्ट्री की थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ कुशाना एम्पायर, कि कुशान एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कुशान एम्पायर कनिष्क के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस स्टेज में पहुँच गया था। कुशान एम्पायर के जो प्रॉस्पीरियस स्टेज में पहुँच गया था उससे रिलेटेड हमें इंस्क्रिप्शन मिला है, जो वहाँ पे जो कॉइन्स मिले हैं उनसे मिला है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कनिष्का एज ए पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क को बुद्धिज्म का पैट्रोन भी कहा जाता है, बुद्धिज्म का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कि कनिष्क को सेकेंड अशोक कहा जाता है। कनिष्क को सेकंड अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से अशोक ने बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट किया था, उसी तरीके से कनिष्क ने भी बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट किया था। कनिष्क के टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड हुई थी।
कनिष्क के टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। कॉन्क्लेव का मतलब होता है काउंसिल। कनिष्क के टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। कनिष्क के टाइम में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन एक एरिया है कश्मीर में, वहाँ हुई थी। और कनिष्क के टाइम में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी उसके जो प्रेसिडेंट है वासुमित्र हैं और वाइस प्रेसिडेंट है अश्वघोष। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम में जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। सबसे फर्स्ट पार्ट है बुद्धिज्म रिलीजन का हीनयान और सेकंड पार्ट है महायान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हीनयान और महायान। द मेन रिजल्ट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज द डिविजन ऑफ बुद्धिज्म इंटू हीनयान और महायान। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम में ऑर्गेनाइज हुई थी। उस टाइम में बुद्धिज्म रिलीजन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अब हीनयान और महायान में क्या डिफरेंसेस है। द न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान। हीनयान और महायान दो पार्ट्स थे। जो नया सेक्ट था, जो नया रिलीजन था बुद्धिज्म से जो सेपरेट हुआ था वो नई ब्रांच थी महायान। वेयर एज बेसिक बुद्धिज्म वॉज नोन एज हीनयान। जो ओल्ड बुद्धिज्म था उसे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, हीनयान के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। टोटली हम ऐसा कह सकते हैं जो न्यू ब्रांच थी बुद्धिज्म की उसे हम महायान कहते हैं और जो ओल्ड ब्रांच थी बुद्धिज्म की उसे हम हीनयान कहते हैं। कनिष्का हैड गिवन रॉयल पैट्रोनेस ऑफ महायान कल्ट। कल्ट इट मीन्स क्या होता है, कल्ट का मतलब होता है जो पूरा रिलीजन होता है, ब्रांच होती है उसे कहते हैं। पैट्रोनेस का मतलब होता है प्रोटेक्टर। अंडर हीनयान महात्मा बुद्ध वॉज द ग्रेट सन। हीनयान के अकॉर्डिंग, ये डिफरेंस है बेटा, सबसे पहले जो न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है महायान है, ओल्ड बेसिक बुद्धिज्म है हीनयान है स्टूडेंट हमने। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि हीनयान महात्मा बुद्ध, अंडर हीनयान महात्मा बुद्ध वॉज द ग्रेट संत। हीनयान के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध को एक ग्रेट संत माना गया है, और जबकि महायान के अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। इंक्रेनेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। हीनयान के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध को एक ग्रेट संत माना गया है और महायान के अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा को एक गॉड माना गया है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। स्टूडेंट्स हमने अपनी सेकंड क्लास में क्लास 12th का लेसन 3rd हिस्ट्री से रिलेटेड है का रेस्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्क्राइब किया है। क्लास 12th लेसन 3rd हिस्ट्री।